मेरा नाम संगम राणा है, मैं यहाँ रजई पंचायत की रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ रजई पंचायत में SBI RCT के थ्रू एक कैंप लगा है। वो उस कैंप में हमें फास्ट फूड उद्यमी की ट्रेनिंग हुई। इस कैंप के हेड हमारे श्रीमती अनीता कुमारी जी और हमारी ट्रेनिंग टीचर ममता कुमारी हैं। इन्होंने यहाँ पे हमें फास्ट फूड के बारे में सिखाया। यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ सीखा हमारे 10 दिन के कैंप में। इधर हमें मोटिवेशन मिला, हम और इधर हमें औरतों को जागृत किया गया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं। SBI RCT के थ्रू हम अगर अपना फास्ट फूड के उस पर कोई भी अपना स्टॉल अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो हमें बैंक से लोन मिलता है। यहाँ पे हमें मोटिवेशन मिला, हर चीज़ सिखाई गई, हर अच्छे से अच्छी चीज़ हमें अवेयर हुआ कि आप ये कर सकते हैं, आप मत अपना जैसा भी चाहो आप वैसे कर सकते हो, अपना बिजनेस जितना चाहो उतना बेहतर कर सकते हो, औरतें कुछ भी कर सकती हैं अगर वो करना चाहें। उन्हें हर चीज़ की ट्रेनिंग मिली और इसमें हमारे सहयोग श्री ममता कुमारी ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया और हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। हम SBI RCT का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ पे छोटे से गांव में आकर अपना कैंप लगाया और हम सबको अवेयर करा। मेरा नाम भारती है और मैं गाँव मेरा की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे RCT की ट्रेनिंग के लिए आती हूँ। RCT का पूरा नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसे हम ग्रामीण स्वरोजगार शिक्षण संस्थान के नाम से भी जानते हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और अच्छे विकास के लिए 2009 में इसकी स्थापना की थी। RCT का मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देना। RCT की ट्रेनिंग में अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं, पर जो हमारी पंचायत है इसमें फास्ट फूड उद्यमी का कोर्स करवाया जा रहा है, वो भी फ्री में। फास्ट फूड उद्यमी के कोर्स में मैम ने हमें अलग अलग तरह की रेसिपीज बताई हैं और उनकी कुछ फास्ट फूड की कुछ हिस्ट्री भी बताई है। मैं फास्ट फूड की हिस्ट्री के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। 1920 में भारत में सबसे पहले अमेरिका में फास्ट फूड स्टॉल ओपन हुए थे। उसके बाद 1950 में मैकडोनल्ड और बर्गर किंग जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड का निर्माण हुआ था। 1970 में KFC और सब्वे का भी विस्तार हुआ था। फिर 2000 में ऑनलाइन ऑर्डरिंग और डिलीवरी की फैसिलिटी भी आ गई थी। ये सारी हिस्ट्री मैम ने हमें अच्छे से बताई है, उसके बारे में हमें लिखवाया दिया। उसके बाद अगर आप RCT का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, वो RCT आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाएगी। सर्टिफिकेट के बाद अगर कोई व्यक्ति अपना रोजगार शुरू करना चाहता है तो RCT उसे बैंक के थ्रू लोन भी प्रोवाइड कराती है, जिसकी हेल्प से वो अपना रोजगार शुरू कर सकता है। रोजगार शुरू करने के लिए हमें कुछ मतलब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हमने फास्ट फूड की मतलब स्टॉल लगाना या रेस्टोरेंट खोलना, उसके लिए हमें एक अच्छी लोकेशन देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे हमारा जो है वो अच्छे से चल सकता है रेस्टोरेंट या शॉप वगैरह। और उसके बाद हमें उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसमें क्या क्या मेन्यू है, वो सब कुछ हमें जो है एक फास्ट फूड प्लान हमें पहले से तैयार करना पड़ता है अगर हमने कोई भी आगे जाके बिजनेस करना है। और मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि मैंने इस ट्रेनिंग को सीख के मतलब इस ट्रेनिंग में आके बहुत कुछ सीखा है और मेरे पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे जाके अपना फास्ट फूड का बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। और मैं सारों से यही निवेदन करती हूँ कि आप भी RCT चंबा में जाके इसका मतलब फ़ायदा उठाएं और आगे जाके अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम नेहा डोगरा है और मैं रजई पंचायत की निवासी हूँ। मैं यहाँ पर फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी की ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ, जिसमें मैंने फास्ट फूड के बारे में बहुत कुछ सीखा, इसके इतिहास के बारे में जाना। और यहाँ पर मैं SBI RCT चंबा के थ्रू कर रही हूँ, जो कि फास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं चंबा वालों से यही कहना चाहूँगी कि वो SBI चंबा RCT को ज्वाइन करें और इसके बारे में जानें, जो कि फ्री कॉस्ट है। और मैं ये कह रही हूँ कि मेरा यहाँ पर आके आत्मविश्वास बढ़ा है, जो कि मैं फास्ट फूड के लिए करना चाहूँगी। और मैं जो अगर कोई भी छोटा मोटा स्टॉल ओपन करती हूँ तो मैं इसका ध्यान रखूँगी कि उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए।